शादी संबंधित व्यवस्थाओं का सुपर मॉल RNK केटरिंग एंड इवेंट्स, जहां पाएंगे टेंट, लाइट्स, कैटरिंग, बैंड, घोड़ा, वीडियोग्राफर, सब एक ही छत के नीचे। शादी हो या सालगिरह, बर्थडे हो या रिटायरमेंट, अब हर पार्टी के लिए पर्सनल हॉल एकदम फ्री और बजट में परिसर उपलब्ध है। शुभ परिसर, लकी गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, गंगराड़े धर्मशाला और नारंगीय धर्मशाला। तो फिर देर किस बात की, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स है ना। संपर्क नितेश कपूर 9827370996, श्याम कपूर 9424816206। खंडवा जिले के जावर में शनिवार रात्रि गुमशुदा नाबालिग की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चार बदमाशों ने युवती को खेत में जहर पिला दिया था। इसके बाद नाबालिग को खंडवा जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी। आज सुबह बालिका ने दम तोड़ दिया और उसकी मौत हो गई। अब पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई। शनिवार रात बेहोशी की हालत में एक नाबालिग जावर के पास खेत में मिली थी, जिसकी सूचना मिलते ही तुरंत जावर पुलिस मौके पर पहुंची और नाबालिग को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि चार युवकों ने उसे खेत में जहर पिलाकर भाग गए। चारों युवकों के मुंह पर रुमाल बंधा था, जिससे नाबालिग उन्हें पहचान नहीं पाई। नाबालिग द्वारा दिए गए पुलिस को बयान के आधार पर पुलिस अब चारों की तलाश में जुट गई। शनिवार रात बेहोशी की हालत में एक नाबालिग जावर के गांव के पास खेत में मिली थी, जिसकी सूचना मिलते ही तुरंत जावर पुलिस मौके पर पहुंची और नाबालिग को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि चार युवकों ने उसे खेत में जहर पिलाकर भाग गए। चारों युवक के मुंह पर रुमाल बंधा हुआ था, जिसमें नाबालिग उन्हें पहचान नहीं पाई। नाबालिग द्वारा दिए गए पुलिस के बयान के आधार पर पुलिस अब चारों को तलाश में जुट गई। खंडवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जावर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग युवती गांव के पास खेत में पुलिस को सूचना मिली थी। पुलिस ने उसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया, यह उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने युवती की गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई थी। नाबालिग ने पुलिस पूछताछ में बताया कि शाम के समय वह खेत में गई थी। खेत में ही चार लोगों ने उसे जहर पिलाया और उसके साथ कोई गलत काम नहीं होना बताया, जिसके आधार पर हम जांच कर रहे हैं। वीडियोग्राफी के साथ भी डॉक्टरों का पैनल युवती के PM कर रहा है। युवती के साथ उनके परिजन के बयान भी लिए गए हैं। हमारी सारी चीजों की जांच में लिया जा गया है। ठीक है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम कुंदन सिंह है जी। मेरी छोकरी रात में घूम गई, तो फिर बाद में ढूंढा, रात में भी हमने ढूंढा, मिली नहीं। फिर दिन में भी ढूंढा, नहीं मिली। फिर वहाँ गए मेरी अपना थाने में रिपोर्ट करने के, तो थानेदार बोले कि तुम और ढूंढो आसपास, और ढूंढो, तुम्हारे कागजात फगजात पूरा लिया ना, फिर हम रिपोर्ट कर लेंगे। फिर वापस गए, हम वापस कमसी गए तो तीन चार बजे छोरी मिल गई थी। वो छोरी मिल गई जैसा हम अस्पताल फटफट में बैठा के अस्पताल ले गए। फिर अस्पताल से फिर बाद में थोड़ा बहुत इलाज करा, फिर डायरेक्ट यहाँ खंडवा कर दिए। खंडवा करने के बाद फिर खंडवा में भी बोले कि मेरे को चार आदमी आए थे मुँह बांध के, वो उठा के मेरे को ले गए, दवाई पिलाई, ये सब बोल रही थी। इसके सिवाय तो कौन था, तो नहीं मुँह बांधा था, मैं पूछा नहीं, ये सब बोला। ये बताना कि खेत में मिली, कहाँ मिली? खेत में मिली, दूसरे के खेत में मिली मेरे को, सॉरी। आज क्या हुआ? आज पोस्टमार्टम हो रहा है। कौन लोग होंगे आपको पता है? कुछ शक है किसी? नहीं, शक तो कुछ नहीं है सर, मेरे को शक नहीं है। शक तो रहता तो कब कम ही कर देता। थाना जावर क्षेत्र में एक लड़की के हॉस्पिटल एडमिट होने की हमें सूचना मिली थी। उसके पहले उसके पिता उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने आए थे, और फिर जिसमें पुलिस ने बयान लिया था बच्ची का, और उस बच्ची ने बताया था कि शाम को वो खेत में गई थी। खेत में फिर चार लोग ने उसको दूसरे ले आके उसको जहर पिलाया था, और कोई गलत काम करना नहीं बताया था, और जिसके आधार पे उसमें उसके DD को मानते हुए, और उसके हम जांच कर रहे हैं। अभी आज
देर रात में या सुबह हम बोल सकते हैं उसमें बच्चे की डेथ हो गई है। उसका पीएम अभी हम डॉक्टर के पैनल्स करा रहे हैं वीडियोग्राफी के साथ, और अभी तक जो बयान है बच्चे के या उनके माता पिता कहीं ना कहीं कुछ उसमें विरोधास्पद भी चीज़ें आ रही, लेकिन सभी चीज़ों को संकलन किया जा रहा है। सभी उसका जो भी विरोधाभासी या कुछ ऐसा आ रहा है तो उसको भी क्लियर किया जाएगा, और बच्चे के बयान के आधार पर अग्रिम इसमें कार्रवाई की जा रही है। अगर क्योंकि डीडी है, डीडी की मान्यता एक उसमें एविडेंस में रहती है, तो डीडी के आधार पर अगर इसमें हमको कायमी करने की आवश्यकता होगी कायमी करके फिर अग्रिम जांच इसमें की जाएगी। चार लोग जो बच्ची ने जितना बताया उसमें चार लोग को पहचानती नहीं है, और चारों ने मुंह पे कुछ कपड़ा बांध रखा था और उसको एक बगल में ले आ, खेत में ले आके बस उसको जहर पिलाए, बस इतना ही बताया बच्ची ने। खून लगने की बात भी है कि प्राइवेट पार्ट को खून वगैरह भी कुछ मिला था। ये शुरुआत में जो स्टार्टिंग में डॉक्टर्स ने देखा था कि संभवतः ब्लड था, लेकिन फिर जब महिला डॉक्टर ने चेक किया तो संभवतः मेंस्ट्रुअल ब्लड जिसको हम बोलते हैं वो था, तो उससे अभी तक ऐसा कोई आशंका नहीं जारी की गई है कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। परंतु अभी पीएम रिपोर्ट के बाद और चीजें उसमें स्पष्ट होंगी। अभी जो स्टार्टिंग में था कि पहले आशंका जताई थी कि उसके साथ गलत काम हुआ जिसकी वजह से ब्लड निकला है, लेकिन बाद में लेडी डॉक्टर ने उसमें मेंस्ट्रुअल ब्लड का हमें बताया था। घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का? रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना? जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488।